गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लुक एट दिस बुक नैतिक शिक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 14 का भाग एक और हमने पृष्ठ खोलना है 41। बच्चों ये देखिए 41 नंबर पृष्ठ पर ये देखिए पार्ट 14 क्या है, प्रार्थना है परमात्मा के आगे। तो हमें इसे अच्छे से लर्न करना है, याद करना है सभी बच्चों को। और मेरे साथ बोलेंगे, हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान हो। यानी हम सब फूलिशनेस जो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं हम उसे छोड़कर ऐसा ज्ञान ऐसी नॉलेज को इकट्ठा करें जो दूसरों के भी काम आए और हमारे भी। हम ब्रह्मचारी वीर व्रत धारी सदाचारी बने, हम ब्रह्मचारी वीर व्रत धारी सदाचारी बने। देखो बच्चों इस लाइन में बोला गया है कि हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्या की पालना करें और वीर यानी साहसी हों और सदाचारी यानी जो हमें मोरालिटी सिखाई जाती है हमें उसे अपनाना है, अच्छी अच्छी बातों को अपनाकर अच्छे सदाचार अपनाना है, अच्छे इंसान बनना है। जो भी हमें इस नैतिक शिक्षा की बुक में पढ़ाया जाता है जैसे झूठ नहीं बोलना है ना, सत्य को धारण करना है, सत्य ही ईश्वर है, विश्वास, ईमानदारी, इन सब चीजों की जब हम पालना करते हैं तो वो उसे सदाचारी बनना कहा जाता है। हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो, होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हूं, दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो। यानी हमारे दिल में ये इच्छा हो कि जब भी हमें मौका मिले हमें अपने देश की सेवा करनी है। हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, यानी जब हमारे देश को जरूरत हो कि नौजवान मींस यंग बच्चों की जरूरत हो, तब मात्र वेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो। यानी उस समय हम सबसे पहले अपने आप को हाजिर करें, अपने आप को प्रेजेंट करें अपने देश को, देश की सेवा में हम हाजिर हो जाएं। संसार का सिरमोर होकर देश हमसे कह सके, है वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो। यानी सारा देश जो है संसार में सबसे ऊंचा हो, मतलब सारे संसार का टॉप मोस्ट हो जाए हमारा देश और वो हमारी वीरता की चर्चा करें कि हाँ देखो ये मेरे असल बच्चे हैं, संतान में मेरे असली बच्चे यही हैं। संसार का सिरमोर होकर देश हमसे कह सके, यानी हमारा देश जो है ना सारे संसार को लीड करे और फिर वो ये कहे कि ये देखो ये मेरे असली बच्चे हैं जो मेरी इतनी सेवा करते हैं। बच्चों आपने इस कविता को सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है और साथ में इसे अच्छे से बोलना भी है, यानी कि इन शब्दों को दोहराना भी है ताकि आपको अच्छे से हिंदी को पढ़ना भी आ जाए, इस प्रार्थना को अच्छे से पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए। तो आप कॉपी में इसे लिखिए। थैंक यू वेरी मच।